प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि आप एक सिविल इंजीनियर हो, तो आप हमारे इस चैनल पे आए हो और इस वीडियोस को देख रहे हो। तो अगर आप फील्ड में वर्क करने जाओगे या किसी कंपनी में काम करने जाओगे, तो स्टार्टिंग आपको वेंडर कंपनी से करना होता है। डायरेक्ट लिमिटेड कंपनी बहुत कम वैसे लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन या कैपेबिलिटी होती है, तो जो वो लिमिटेड कंपनी में जाते हैं। बाकी जो नॉर्मल या एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, पहले वेंडर कंपनी के साथ टाई अप करके काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बिल जब लगा रहे होते हैं कंपनी के लिए, है ना, तो उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, है ना, उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होते हैं। तो उसमें बोला जाता है कि टेस्ट रिपोर्ट, है ना, जो भी मटेरियल आपने मंगवाया है और उसका इनवॉइस और टेस्ट रिपोर्ट मटेरियल का मांगा जाता है। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं फॉसरॉक एक कंपनी है, फॉसरॉक केमिकल्स, जो कि एडमिक्चर्स प्रोवाइड करता है, है ना, यानी एडमिक्चर्स बनाता है, ठीक है, एडमिक्चर्स बनाता है। तो इसका टेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है, और जो एडमिक्चर्स है यह है कॉर्नप्लास्ट, है ना। फॉसरॉक में ऑरामैक्स भी आता है, है ना, ऑरामैक्स भी आता है और कॉर्नप्लास्ट भी आता है। तो यहाँ पे कॉर्नप्लास्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रोडक्ट नेम है कॉर्नप्लास्ट और अपीयरेंस ब्राउन कलर लिक्विड है आपका। स्टोरेज कंडीशन जो है कूल एंड ड्राई अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट आपका होना चाहिए। मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिया गया है, मंथ ऑफ एक्सपायरी 12 महीने में आपका एक्सपायर हो जाएगा। टेस्ट में यहाँ पे वैल्यू दिया गया है और एज पर IS कोड 9103/1999 के हिसाब से दिया गया है, और ऑब्टेंड वैल्यू क्या है वो दिया गया है। रिलेटिव डेंसिटी 1.15 प्लस माइनस 0.02 ऑफ द वैल्यू स्टेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर। pH वैल्यू 7.55 है, मिनिमम 6 होना चाहिए एज पर IS कोड। और ड्राई मटेरियल कंटेंट ऑब्टेंड वैल्यू जो है 28.24 है, और आपका जो IS कोड है उसके हिसाब से प्लस माइनस 5% ऑफ द वैल्यू स्टेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर। और UOM जो है परसेंटेज बाय मास है। क्लोराइड कंटेंट जो है 0.026 है, जो कि मैक्सिमम 0.2 होना चाहिए, बाय मास आपका दिया गया है। और नीचे जो है यहाँ पे सर्टिस्फाइड किसके द्वारा किया गया है, और कंप्यूटर जनरेटेड है, तो यहाँ पे कोई सिग्नेचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके का जो सर्टिफिकेशंस होती है वो आपको जमा करना होता है। तो इसमें आपको चीज़ें आपको खुद पहले तो समझ में आना चाहिए ना कि क्या मांगा जा रहा है ना, तभी तो आप बिलिंग को क्लियर करने में मदद करोगे या डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर पाओगे। तो फॉसरॉक का ऑरामैक्स या कॉर्नप्लास्ट जो है आपका एडमिक्चर्स आता है। क्यूरिंग कंपाउंड भी जो है फॉसरॉक का आता है। तो क्यूरिंग कंपाउंड का अगर इनवॉइस और टेस्ट रिपोर्ट मांगे, मटेरियल रिपोर्ट मांगे, मटेरियल टेस्टिंग का रिपोर्ट मांगे, तो आप यहाँ पे जमा कर सकते हो। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आए। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अगर आपको भी फील्ड में काम करना है तो आपको मेहनत करना होगा, अपने नॉलेज को इन्हेंस करना होगा, तभी जाकर जो है आप फील्ड में काम कर पाओगे। क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज आपने कितना प्राप्त किया उससे ज़्यादा मायने रखता है कि प्रैक्टिकली आप कितना चीज़ें को जानते हैं। और जानने से सिर्फ नहीं होता, अगर आपको कुछ नहीं भी पता है और आप फील्ड में एक बार जाके काम करें और आपको काम समझ में आ जाए, तो आप बहुत जल्दी काम को भी सीख सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हर कोई जन्म से जो है बुद्धिमान पैदा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट प्रैक्टिस और नॉलेज गेन जल्द से जल्द हो तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है उसको करने में। ओके, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।